जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SL Champion वाइज। मैं बात करने वाला हूँ वोमेन एसएस का दोस्तों, तीसरा मैच जो कि इंग्लैंड वोमेन और ऑस्ट्रेलिया वोमेन के बीच दोस्तों, ये मैच दोस्तों लॉर्ड्स के लंदन में खेला जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये मैच ना रात के 11:05 में स्टार्ट होगा। तो गाइस आइए जानते हैं कि इस मैच में हमारी ड्रीम इलेवन की टीम क्या रहेगी। प्लस में दोस्तों आपके लिए वीडियो में गिव अवे भी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे बहुत ही आसान सा सवाल पूछूंगा और अगर आप उसका सही जवाब देते हो तो गाइज आपको हमारी ओर से दोस्तों 300 रुपये का गिव अवे प्राइज भी आपको देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे भाई वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट समर्थन मिलता है तो हमें देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब गाइज को यार पिछला मैच जो हुआ था वो देखो यार, जो पिछला मैच हुआ था वो देखो लंदन में हुआ था, बट दोस्तों वो पिच अलग थी, वो दोस्तों ओवल के मैदान पे हुआ था। बट दोस्तों जो ये मैच होने वाला है दोस्तों, ये मैच भी लंदन में होगा, बट दोस्तों ये मैच का ग्राउंड रहने वाला है लॉर्ड्स का। ठीक है, तो यार दोनों के जो पिच रिपोर्ट है यार देखो, उसमें बहुत ही ज्यादा का डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो में बने रहना। ठीक है चलिए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, मैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैच नंबर 3rd होगा, जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वोमेन और इंग्लैंड वोमेन के बीच दोस्तों ये मैच आज यानी कि 8 जुलाई सैटरडे के दिन दोस्तों ये मैच रात को 11:05 में स्टार्ट होने वाला है। वेन्यू की बात करूँ तो दोस्तों ये मैच लंदन के लॉर्ड्स में ये मैच खेला जाने वाला है। ठीक है, पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो दोस्तों देखो पूरा का पूरा ये जो ग्राउंड है देखो एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ पर दोस्तों नए बॉल्स है ना, देखो थोड़ा सा यहाँ पर असिस्ट मिलता है बॉलर को। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर क्या है कि पावर प्ले में विकेट जाने के चांस थोड़ा सा ज्यादा है। तो गाइज अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आती है तो गाइज आपके लिए मेगा स्क्यूट और डेडशिप ब्राउन आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन इस पिच पर रहने वाली है। और अगर यहाँ पर फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करूँ तो गाइज यहाँ पर आपको 120 से 130 रन के बीच में आप यहाँ पर स्कोर बनते हुए आप दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गई बात आपकी पिच रिपोर्ट की। अब दोस्तों अगर मैं प्लेइंग इलेवन की बात करूँ, साथ साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर प्लेयर्स मैंने डाटा रिकॉर्ड हेड टू हेड रिकॉर्ड वैन पर इनका कैसा रिकॉर्ड रहता है मैंने सारा डाटा यहाँ पर ऐड किया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वोमेन की प्लेइंग इलेवन इस मैच में क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यार ऑस्ट्रेलिया वोमेन की ओर से यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हो दोस्तों यहाँ पर एलिसा एली, दो मैच में यहाँ पर इन्होंने 42 रन का इन्होंने स्कोर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 21 का एवरेज, पिछले मैच में दोस्तों इन्होंने 37 रन की एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। वैन पर दोस्तों अभी तक इन्होंने एक भी मैचेस नहीं खेले हैं। ठीक है, इसके साथ आपको बेथ मोनी जो दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिलेगी, दो मैच में 83 रन। आप यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली सारे मैचेस का रिकॉर्ड आप चेक कर लेना। नंबर 3 पर दोस्तों तहिला मैकेरा, जो कि आपको बैटिंग के साथ आपको ये बॉलिंग भी करके देंगे दोस्तों। इन्होंने लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने विकेट भी लिया था, आप यहाँ पर इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। देन यहाँ पर एशले गार्डनर, जो कि दोस्तों तो आपको ये भी एक ऑलराउंडर ऑप्शन आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, पिछले मैच में दोस्तों इन्होंने 2 विकेट लिया था, बाकी आप इनका यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर लो। वेन्यू पर दोस्तों अभी तक इन्होंने एक भी मैचेस खेले नहीं है। ठीक है, देन का यहाँ पर ग्रेस हैरिस, 2 मैच में केवल 9 रन, अभी तक दोस्तों टोटली फ्लॉप रही है, क्योंकि यार इनको बॉलिंग मतलब ज्यादा दी नहीं जाती है। ठीक है, एक दोस्तों एक पार्ट टाइमर ऑप्शन है, बट दोस्तों अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम को यार देखो यूज नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एलिशा पेरी लास्ट मैच में 51 रन प्लस में 1 विकेट, दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और गाइस देखो जैसा कि दोस्तों मैच बॉलिंग फ्रेंडली है, तो आप चाहो तो आप इन्हें अपनी टीम में आप देखो 100% आप रख के चलना। बाकी अब इनका यहाँ पर हेड टू हेड का रिकॉर्ड और हेड टू हेड का बॉलिंग रिकॉर्ड आप चेक कर लो। वैन पर इन्होंने 1 मैचेस खेले हैं जिसमें से इन्होंने 1 विकेट भी लिया था। इसके अलावा दोस्तों एनेबल्स अदरलैंड, एक और दोस्तों स्पिनर, 2 मैच में 29 रन, लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया था। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, हेड टू हेड रिकॉर्ड और हेड टू हेड बैटिंग का रिकॉर्ड आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों जॉर्जिया वेरहम, 2 मैच में 20 रन, साथ दोस्तों अभी तक इन्होंने विकेट नहीं लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे इनका दोनों मैच का रिकॉर्ड चेक कर लो। पहले मैच में केवल 1 रन और दूसरे मैच में दोस्तों इन्होंने 19 रन की एक देखो ठीक ठाक पारी खेली थी। इसके अलावा दोस्तों जेस जॉनसन, जो कि आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देखेंगे, 2 मैच में दोस्तों 3 रन, लास्ट मैच में दोस्तों इन्हें विकेट नहीं मिला, बट दोस्तों उससे पहले मैच में इन्होंने 3 विकेट ली थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मेगा स्क्यूट और डर्सी ब्राउन, जो कि आपको देखो यार मेगा स्क्यूट क्या है कि आपको 2 ओवर पावर प्ले में और 2 ओवर आपको ये डेथ ओवर में करते हुए दिखेंगे। पहले मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया था और सेकंड मैच में दोस्तों ये थोड़ी सी महंगे साबित हुई थी। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे जो मैं ब्राउन की बात करूँ तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो 4 ओवर है ना, ये देखो अपना पावर प्ले में ही करती है, मतलब 1 से 10 ओवर के बीच में ये पूरा का पूरा अपना बॉलिंग ये डाल देती है। ठीक है, तो गाइस आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि देखो पावर प्ले में थोड़ी सी बॉल स्विंग होगी नए बॉल के साथ, तो दोस्तों ये विकेट लेने में माहिर है। ठीक है, आप यहाँ पर इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। तो गाइस ये तो बात हो गई आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम की। वहीं दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इंग्लैंड टीम की बात करूँ तो गाइस देखो डेनियल वॉट लास्ट मैच में 76 रन, बहुत ही बढ़िया अटैकिंग इनिंग खेली थी। दोनों मैच में दोस्तों उन्होंने 83 रन का स्कोर किया हुआ है, आप इनका यहाँ पर रिसेंट फॉर्म चेक कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन मुझे दोस्तों ये इंग्लैंड की ओर से लगती है। इसके साथ आपको देखो सोफिया डंगली, जो कि यार दोनों मैच में उन्होंने काफी बढ़िया कंटिन्यू इन्होंने बढ़िया इनिंग खेली है। ठीक है, यहाँ पर आप इनका रिकॉर्ड चेक कर लो, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखो ठीक ठाक है। नंबर 3 पे दोस्तों नटालिया स्टीवर्टन, जो कि आपको एक ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, बैटिंग के साथ आपको ये बॉलिंग से भी देखो पॉइंट करते हुए देंगे, बट दोस्तों अभी तक इन्होंने दोनों मैच में देखो पूरी की पूरी फ्लॉप रही है एज अ बॉलिंग और एज अ बैटिंग के साथ। उसके अलावा दोस्तों एलिशा कैप्ची, दोस्तों ये दोनों
दोनों मैच में फ्लॉप रही है। दोनों मैच में दोस्तों इन्होंने केवल 5 रन ही इन्होंने स्कोर किया हुआ है। बाकी आप इनका यहाँ पर हेड टू रिकॉर्ड चेक कर लो, देखो बहुत ही खराब फॉर्म से भी आ रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको ट्राई करना हो तो अपने जीएल में आप इन्हें श्योर ट्राई करना। आज दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों आज आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हैदर नाइट टीम की कैप्टन, 2 मैच में 29 रन, लास्ट मैच में दोस्तों ये डक पे आउट हो गई थी, बट दोस्तों प्लेयर काफी ठीक ठाक है। अब बाकी आप इनका यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर लो, रिसेंट फॉर्म और हेड टू रिकॉर्ड आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन एमी जोन्स, पहले मैच में उन्होंने 40 रन की काफी किफायती इनिंग खेली थी, बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि बार बार ये ऐसी इनिंग खेली, थोड़ी सी खेले दोस्तों इनके थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर है देखो बहुत ही नीचे बैटिंग करने आती है, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों डैनियल गिब्सन दोस्तों आपके लिए मतलब स्मॉल के लिए दोस्तों आपके लिए थोड़ा रिस्की चॉइस रहेगी। बाकी आप इनका यहाँ पर हेड टू रिकॉर्ड, हेड टू बॉलिंग रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। सोफिया स्कल्टन दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, दोनों मैच में दोस्तों उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, दोनों मैच में 2-2 विकेट, और लास्ट मैच में दोस्तों उन्होंने 22 रन की बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली थी, डेथ के ओवर में इन्होंने काफी ज्यादा रन भी बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सारा ग्लेन 2 मैच में टोटल 4 विकेट, दोनों मैच में दोस्तों इन्हें 2-2 विकेट मिला था, आपके लिए दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग। अगर गाइस इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है तो आप यहाँ पर सारा ग्लेन को और आप यहाँ पर दोस्तों सोफिया स्कल्टन को आप देखो अपनी टीम में 100% लेकर चलना। इसके अलावा दोस्तों चार्लिन डेन 2 मैच में दोस्तों 1 विकेट, लास्ट मैच में इन्होंने ये खेलने आए थे और लास्ट मैच में ही इन्होंने 1 विकेट लिया था। और देन गाइस यहाँ पर लॉरेन बेल 2 मैच में 3 विकेट, दोनों मैच में दोस्तों इन्होंने विकेट लिया हुआ है। और गाइस आप यहाँ पर इनका हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। तो गाइस ये तो बात होगी आपकी दोनों टीमों की, प्लेइंग 11 क्या है उसकी। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि इस मैच में हमारी ड्रीम 11 की टीम क्या है, बट दोस्तों उससे पहले गाइस आपके लिए दोस्तों मैं बहुत ही आसान सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है। और अगर आप उसका सही जवाब देते हो तो गाइस आपको हमारी ओर से 300 रुपये का गिव अवे प्राइज आपको देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट गाइस देखो उससे पहले अगर गाइस आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो गाइस देखो यहाँ से जुड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस अगर आप यहाँ पर विनिंग करना चाहते हो फैंटेसी खेलकर, अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो गाइस आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा। दोस्तों आप यहाँ पर खेलकर काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों देखो यहाँ पर आपको सभी टीमें ना बिल्कुल फ्री में आपको मिलती है, हम दोस्तों आपसे 1 रुपये का भी दोस्तों चार्ज नहीं लेते। आप यहाँ पर आइए खेलिए और आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्रिकेट की टीम भी मिलती है, फुटबॉल की टीम भी आपको यहाँ पर देख लो, और दोस्तों उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बास्केटबॉल की टीम भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और गाइस सब कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पर खेलकर अर्निंग करना चाहते हो तो लिंक दोस्तों आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को आप देखो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। दोस्तों देखो गिववे की बात करूँ, देखो गिववे का पहला क्वेश्चन रहेगा कि दोस्तों इस मैच में दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनने वाली प्लेयर कौन सी रहेंगी, और दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि दोस्तों इस मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने वाली प्लेयर कौन सी है, ठीक है। यार बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली मैच स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये दोनों सवालों के आंसर देने हैं, ठीक है। मैच स्टार्ट होने के बाद देखो जो भी आंसर देगा देखो यार उनका आंसर मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप आई होप दोस्तों आप मैच स्टार्ट होने से पहले आप ये दोनों सवालों के आप आंसर दोगे, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर मैं टीम की बात कर लूँ तो गाइस देखो टीम आपके सामने, और अगर आप चाहो तो दोस्तों आप सेम टीम के साथ आप हेड टू हेड 3 मेंबर और 4 मेंबर तक की आप किसी भी लीग को आप आसानी से क्लीन स्वीप कर पाओगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो पिच है वो देखो यार बैटिंग फ्रेंडली नहीं है दोस्तों, ये बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर और प्लस में मैंने यहाँ पर बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों अपनी टीम में डर्सी ब्राउन को लेना है तो फिर आप यहाँ पर जेस जॉनसन को ड्रॉप करके आप यहाँ पर डर्सी ब्राउन को आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार देखो नए बॉल के साथ बॉल को स्विंग मिलेगी और देखो वहाँ पर विकेट मिलने के चांस थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना है तो देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एलिस कैप्सी को लेकर मैंने एक अलग हट के रिस्क लिया है। आप यहाँ पर दोस्तों आप चाहो तो इंग्लैंड के दोस्तों फास्टर बॉलर को आप यहाँ पर अपने टीम में रख सकते हो। मैं यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको देता हूँ दोस्तों आपके लिए, यहाँ पर सारा ग्लेन देखो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। तो गाइस ये कुछ ऑप्शन है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपने हिसाब से ट्राई करना। कैप्टन दोस्तों अभी के लिए मेरी एसली गार्डनर, और वीसी दोस्तों मेरे यहाँ पर ताहिला मैकेग्राथ रहेंगी, जो कि आपको नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग प्लस में आपको ये बॉलिंग भी करके देने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों इनसे हटके बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको अलग ट्राई भी करना है तो आप यहाँ पर एन सिल्वर ब्रेंट और आप चाहो तो आप यहाँ पर एलिसा पेरी को भी आप देखो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए इंग्लैंड का तो आप यहाँ पर एलिस हेली या फिर बेथ मोनी में से अगर आपको मैं प्रेफर करूंगा तो गाइज आप यहाँ पर एलिसा हेली को ड्रॉप करके आप यहाँ पर चाहो तो डेनियल वॉट या फिर सोफिया डंकली में से किसी भी प्लेयर को आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल टीम आपको हम लोग यहीं पर प्रोवाइड करेंगे दोस्तों बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज लिए हुए, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद ही होगी। तो मेरे भाई वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, आपका सपोर्ट समर्थन मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सिवाय को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।